जी तो कटरा हम पहुंच चुके हैं। ये बाणगंगा का द्वार है और ये बाणगंगा है जहाँ पे हम लोग नहाए थे। हाँ तो चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर आध कुआली में पहुँच गए हम लोग। यहाँ पर डांस हो रहा था, मतलब एक अमेजिंग सा मतलब एहसास हो रहा था। ये ऊपर से नजारा अर्धकुंवारी का। भगवान दिखाई दिया तो दिल बहुत खुश हुआ। भवन में जाके तो ऐसे लगा जैसे मन जो ना बिल्कुल शांत हो गया। वहां पे जाके साल का पहला दिन और भवन में मजा ही आ गया। मतलब दिल खुश हो गया। इसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट करी इसकी, भैरव बाबा की। भैरव बाबा की चढ़ाई में भी काफी मजा आया। 2 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से भवन से, और ऊपर से व्यू इतना अच्छा आ रहा था ऊपर से हर चीज का। धौलाधार पहाड़ियों पे बर्फ गिरी हुई थी। और भैरव बाबा से तो एक अलग ही नजारा मिलता है भवन का, एक अलग ही देखने को मिलता है। हाँ हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दिल शांत है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लाइफ में सब कुछ अच्छा है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद निकल गए फिर आध कुंवारी में अपने नंबर के लिए, गर्भ जून में दर्शन करने के लिए। ये जो बंदे साथ में चल रहे हैं 2-3, ये बंदे रात को थक गए थे काफी ज्यादा, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत आराम आराम से चल रहे थे। ये भी यहीं के थे, आगरा के थे, तो 3-3 बंदे थे ये आगरा के, जो कि साथ में थे मेरे। मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, माँ तेरा काम है, और छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब इसे किनारा लगाना माँ तेरा काम है। काफी एंजॉयमेंट हुई, बहुत मजा आया। 2 दिन के सफर में पूरा आनंद ले लिया। मुरादे मन की तू सभी को देती है,
फिर हम लोग हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर की वीडियो बनाने लग गए। सांची छत पे हेलीकॉप्टर हर 2 से 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आता जाता होता है यहाँ पे, क्योंकि यात्री जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जो चलने पड़ते हैं जिनको भी चाहिए ऊपर से, वो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर की ही सेवा लेते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए सांझी छत। सांझी छत में 5 से 10 मिनट हम लोगों ने रेस्ट करी, वहां के नज़ारे कैप्चर करे फोन में, और मतलब व्यू देखा नीचे कटरा का व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा था वहां से। हम निकल गए आध कुंवारी की तरफ। भजनों की गंगा बहा रखी है, माँ तेरी ज्योति जला रखी है, माँ तेरी ज्योति जला रखी है, पूजा की थाली सजा रखी है, पूजा की थाली सजा रखी है, माँ तेरी ज्योति जला रखी है, माँ तेरी ज्योति जला रखी है। बोलिए राज राजेश्वरी जगजननी माँ परम्बा ललिता महात्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति विजयासन रानी की जय। माँ तेरी ज्योति जला रखी है, माँ तेरी ज्योति जला फिर हम लोग आध कुंवारी पहुँच गए। आध कुंवारी में नंबर का वेट करना था, तो वो 3 लड़के तो चले गए क्योंकि नंबर का वो कह रहे थे कि हमारी बस है 6 बजे की, तो वो निकल गए। मैं अकेला बच गया, आधा 1 घंटा वेट करा वहाँ पर, तो मेरा नंबर पड़ गया आध कुंवारी। अरे जाने की तैयारी करने लगा, तो अर्जुन के दर्शन करके आ गया। फिर अभी यहाँ के व्यू का नज़ारा देखते हुए मैं निकल गया यहाँ से। ये नया रास्ता है, ये नया रास्ता बना हुआ पैदल यात्रियों के लिए, उस रास्ते से निकल गया। उस रास्ते में भी बहुत इन्जॉयमेंट करी, बहुत मज़ा है, हर चीज़ इतनी मतलब इतनी अच्छी और इतनी अच्छे से दिख रही थी, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था हर चीज़ में। चलो नीचे, चलो भाई आप लोग चलो, फिर चलो पानी में कुछ इधर चलना, इधर इधर से चलेंगे ना, इधर हाँ प्लेन तो हाँ प्लेन प्लेन चो प्लेन मतलब बड़ा प्लेन एरिया, जिधर से आए थे चढ़ाई करें तो उधर कोई बच्चे वो तो यार फिर बड़ा लंबा पड़ जाए। शॉर्टकट है भाई, वो शॉर्टकट है कि नुकसान की कीमत ना है, ये वाला शॉर्टकट बड़ा सही आदमी
यही वाला है भाई, जाने के लिए इसको खड़ा चाहिए जाने के लिए। हां लिया भी मैं तो भाई वैसे ही उधर से जा रहा हूं। हां भाई, हेलो, गुड इवनिंग, सलाम नमस्ते सबको, सलाम नमस्ते। तो मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई है, अर्धकुंवारी जी के दर्शन कर लिए हैं मैंने, अर्धकुंवारी जी के अर्जुन में दर्शन हो गए हैं। अब मैं निकल रहा हूँ कटरा की तरफ को, कटरा बस स्टैंड की तरफ। बाकी की बातें कटरा पहुँच गए। ओके टाटा बाय। ज़्यादा दूर नहीं रहा, कट रहा पास में ही है। ये भी निकल जाएगा। आज मैं नए रास्ते से आया हूँ, जो नया रास्ता बना हुआ है सही है, प्लेन प्लेन है, ना थकावट ना कुछ, आराम से अपना बंदा चला रह सकता है। कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना माँ तेरा काम है, और छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर अब इसे किनारा लगाना माँ तेरा काम है। सुना है चरणों में तेरी जो आता है, जमाने की खुशियाँ यही से पाता है, मुरादे मन की तू सभी को देती है, तेरी चौखट से वो की गंगा बहा रखी है।
जाओ आ जाओ खास तो फाइनली मैं वापस बाण गंगा गेट पे पहुंच गया हूं और अपनी यात्रा खत्म करने जा रहा हूं। सलाम नमस्ते एंड जय माता दी सबको।
मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली है, तो मैं वापस कटरा आ चुका हूँ। अभी बस का वेट कर रहा हूँ, बस के वेट के लिए मैंने होटल बुक करा है। तो मतलब मेरी यात्रा बिल्कुल अच्छे से हो गई। मतलब स्टार्टिंग दिल्ली से करी थी, कटरा में आके स्टार्ट करी वैष्णो देवी की यात्रा। मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए भवन पहुँचने के लिए कटरा से। और फिर उसके बाद फिर नीचे उतरा अधकवारी में, गर्भ जून में नंबर डला वहाँ पे का, वहाँ पे भी टाइम लग गया। और अभी कल शाम को मैंने यात्रा ख़त्म कर दी वापस। तो सब अच्छा रहा, साल का पहला दिन माता रानी के दरबार में। आशा करता हूँ हर साल माता रानी मुझे चलो तक अब नेक्स्ट टाइम के लिए टाटा बाय बाय।